So Haryam everyone, and we begin today's session of the Vedic Heritage Program. One second, give me a second. Let me just put it on the group. Okay, so Naira has just joined.

ताते द्रोप हम लोग व्हाट वर वी डूइंग लास्ट टाइम रिमेंबर जब राम भगवान सी को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे क्रॉस कर रहे थे ब्रिज नहीं बना था कि बन गया था पुल बन गया था बन गया था? 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 था आपने एक दो सेशन शायद अटेंड नहीं करे थे तो राम भगवान राम जी से ब्रिज क्रॉस करके और समुद्र के वहां पे आ चुके हैं और अब आप क्या सोचते हो राम क्या करेंगे अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज करेंगे कि क्या करेंगे या आर्मी को कैसे भी चलने देंगे ऑर्गेनाइज करेंगे? करेंगे. करेंगे ना एंड राम राम श्री इज अ मास्टर प्लानर राइट And uh, give me a second while I share my screen. And you give me a thumbs up if you can see the, uh, the screen. OK, Devanshi should also come in. <laughs> इसको क्या लगता है कि सारे वीक वीक वानर होंगे कि बहुत स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट एंड पावरफुल वानर होंगे स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट एंड पावरफुल है ना सो कैन यू टेल मी व्हिच इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वानर वो हु यू थिंक हु डू यू नो हनुमान जी हनुमान जी वन ऑफ दैन ओके लेट्स मंत्र फर्स्ट

तेजस्वी तपस्सु मा विदुषा वह मा विदुषा वही ओम शांति 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 ओम शांति 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 वेरी नाइस nice. जिस किसी को भी मीनिंग समझना है लास्ट सेशंस में जाके देख ले दीप ज्योति परम ब्रह्म दीप ज्योति परम ब्रह्मा दीप चोदर जनार्दना हा दीप चोदर जनार्दना हा दीपो में हरतु पापम दीपो में हरतु पापम दीप चोदर नमोस्तुदे दीप चोदर नमोस्तुदे आ अपने आप को सेट करो आपका पूरा फेस नहीं दिख रहा बेटा गुरुर ब्रह्मा गुरुर वेश्नु गुरु ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तू तो ऊपर बहुत जगह है स्क्रीन के ऊपर फिर अपने पास कर शिवर्ण चतुर्भु शशिवर्ण चतुर्भुज प्रसन्न व्यासन्न व्यानोपशात सर्व विघ्नोपशात

देहो वाल देवो प्रोक्त जीवो देव जीवो जीव दें सनातन त्यजेद्ञान निर्माल्यं त्यजेद अज्ञान निर्माल्यम सोहम भावन पूजे सोहम भाव पूजे सरस्वती नमस्तुभ्यम सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे काम वरदे काम रूपिणी करिष्यामि विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर भवतु मे सदा सिद्धिर भवतु मे सदा कराग्रे वसते लक्ष्मी करा ग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मध्ये सरस्वती कर मूले सिथु कर ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम प्रभादे कर दर्शनम समुद्र वसने देवी समुद्र वसने देवी पर्वत स्थान मंडले पर्वत स्थान मंडले पत्नी नमस्तुभ्यम विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्वर्षम क्षम स्व मे पादशम स्वेली ध्रुव नाइस रियली नाइस एंड एवरीवन दिस इज ध्रुव खंडी

माई गॉन नाउ लुक वॉट इज है श्री राम जैसे हम बता रहे थे ना मास्टर प्लानर है और श्री राम को लंका के इस साइड आ गए है सारी आर्मी उनके साइड उनके साथ आ गई है लंका में उनको अपने आर्मी की फॉर्मेशन करनी है आर्मी की फॉर्मेशन नहीं करेंगे और आदमी कहीं कहीं जाएगी तो कोई भी नहीं वो अपना काम नहीं कर पाएंगे ना तो श्री राम इज ऑर्गेनाइजिंग हिज आर्मी एंड लुक एट द मास्टर प्लानर श्री राम कहते हैं अंगद को अंगद और नील श्री राम बना रहे हैं एक फॉर्मेशन जिस फॉर्मेशन है जो एक सेकेंड में देते श्री राम की जो ये जो करंट फॉर्मेशन है इट इज लाइक बींग एक जो मनुष्य होता है उसका ये सर होता है ये बॉडी है ये लेग्स है और ये हैंड्स है, है ना तो श्रीराम की सारी सेना वानर सेना को श्रीराम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं श्रीराम कह रहे हैं जो सेंटर है जहाँ पे हमारा हार्ट होता है वहां पे अंगद और नील रहेंगे अंगद और नील यहाँ पे रहेंगे सेंटर में आर्मी की फॉर्मेशन के सेंटर में ऋषभ अपने सारे कपियों के साथ अपने सारे बंदरों के साथ वानर वाहिनी तो आर्मी के लेफ्ट हैंड साइड में होगा ऋषभ उन्होंने कहा कि तुम लेफ्ट हैंड साइड में रहो फॉर्मेशन में गंधमादन को ये सारे वानरों के हैं गंधमादन को श्रीराम ने कहा तुम आर्मी के लेफ्ट हैंड साइड खड़े रहो पहले वालों को कहा था राइट हैंड साइड खड़े रहो ठीक है उसके बाद श्री राम कहते हैं कि जैसे ये अगर ये फॉर्मेशन है तो मैं और लक्ष्मण शुरू में जहां पे हेड होता है हमारा अग्र भाग में इन द फ्रंट लक्ष्मण और मैं रहेंगे और हम आर्मी को लीड करेंगे फिर श्रीराम कहते हैं जाम्बवान सुशेन और वेगदर्शी वो रहेंगे टुवर्ड्स द बैक ऑफ द फॉर्मेशन वो बैक से आर्मी का ध्यान रखेंगे और फिर श्रीराम कहते हैं कि सुग्रीव सुग्रीव रहेगा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैक बैक को भी श्रीराम डिवाइड कर रहे हैं अलग-अलग पोर्शन -अलग में और वो वहां से प्रोटेक्ट करेगा आर्मी को इस तरह से श्रीराम ने पूरी आर्मी को अलग-अलग लोकेशन दिए अलग-अलग प्लेसेस दी कि सब अपने-अपने ग्रुप्स -अपने के साथ अलग-अलग पॉइंट -अलग पे रहें और इकट्ठा होके एक साथ लंका के ऊपर अटैक करेंगे और सब वानर बहुत खुश हो गए अब वानर तो बहुत स्ट्रांग होते हैं बहुत पावरफुल तो कोई तो पहाड़ पूरा उठा के ले आया कोई बड़े बड़े वानरों के पास कोई वेपन्स नहीं थे वानरों के पास अपने दांत अपने, अपने नेल्स, अपनी बुद्धि से वो पेड़ तोड़ लाते थे पहाड़ों को उठा लाते थे बहुत स्ट्रांग थे बड़े बड़े वृक्ष लेकर सबके सब वानर सब चलने लगे तो श्री राम की जो आर्मी की फॉर्मेशन थी वो ऐसे थी ये सेंटर में है कुछ वानर इधर कुछ इधर कुछ श्री राम ने सबको बहुत सुंदर प्लेसमेंट करी और श्री राम ने कहा सुग्रीव को बहुत सुंदर रचना की है अब जो ये लास्ट सेशन में हमने देखा था कि एक स्पाय भेजा था रावण ने और वो स्पाय का नाम था शुक्र और वो स्पाय को श्रीराम ने देखने आया था कि आर्मी में कि क्या क्या है फॉर्मेशन श्री राम ने कहा अब उसे सब कुछ देख लिया है इसको छोड़ दो ये जाके रावण को बताएगा ना बताने दो इसको बताने दो अच्छा है रावण को डर लगेगा जितना ये बताएगा ना इस शुक को छोड़ दो। तो वो शुक भागा भागा रा, रावण के पास पहुंचा यहाँ पे आमी की कर हैं और वहां पे वो शुक जो शुक्र था वो रावण को बताने पहुंचा कि रावण ने कहा तुम इतने डर क्यों गए हो तुम्हारे विंग्स किसने बांध दिए तो शुक बोला ये शुक है ये राक्षस ये पैरट का रूप बना के राक्षसों को शेप शिफ्टिंग आती थी वो अपना शेप बदल लेते थे फॉर्म बदल लेते थे तो शुक्र ने फिर वापस आ गया अपने राक्षस के रूप में और उसने रावण को कहा आपको पता भी है वहां पे क्या क्या हो रहा है जैसे आपने कहा था जिसको नहीं समझ में आ रहा ये सेशन लास्ट सेशन देख लेना यूट्यूब पे है तो शुक्र शुक को शुक रावण ने भेजा था मैसेज देने के लिए कि सुग्रीव को बोलो क्यों लड़ रहा है सुग्रीव और रावण तो फ्रेंड्स हैं उसको क्यों जरूरत है सुग्रीव का तो रावण को तो मैं, 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 मैं रावण से दोस्ती लूंगा कभी नहीं करूंगा तो शुक ने बोला महाराज जैसे मैंने आपका संदेश सुनाया सब बानरों ने मुझे पकड़ लिया पकड़ के मुझे मारने लगे नोचने लगे इतने जोर जोर से और मैं बताऊं कभी भी आप और रा, रा, राक्षस और देवता कभी भी दोस्ती नहीं कर सकते राक्षस और देवता कभी एक नहीं हो सकते ध्रुव क्या राक्षस और देवता एक बन सकते हैं कभी फ्रेंडशिप कर सकते हैं क्या क्यों नहीं कर सकते अपना औ, 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 वो खोल के बताओ क्यों नहीं कर सकते व्हाट इज द प्रॉब्लम व्हाई कांट दे क्योंकि राक्षस बहुत पावरफुल थे और वो सबकी प्रोटेक्शन करते थे इसलिए बहुत अहंकार आ गया था बहुत इसलिए अधार्मिक uh, uh, उनके सारे वैल्यूज वो सारे अच्छे लोगों को तंग करते थे मारते थे सारे अधर्म के कार्य करते थे और देवता क्या करते थे देवता धर्म को फॉलो करते थे है ना समझ आई देवता और राक्षस कभी भी दोस्त हो नहीं सकते हैं मच इज देस ओके सो लेट्स गो बैक ध्रुव म्यूट कर लो बेटा अपने आपको जो, जो नहीं बोल रहा हूँ अपने आपको म्यूट करता जाए ठीक है तो okay. ये कौन बता रहा है आ, प्लीज म्यूट कर लीजिए कहीं से मुझे आवाज आ रही है और वो फिर डिस्टर्ब करती है वो सेशन में ना अच्छा तो श्री राम फिर शुभ कहता है कि आप खुद समझो महाराज जिसने इतने लोगों को मार डाला इतने राक्षसों को मार डाला वो सारे समय धनुष हाथ लेके हाथ में लेके चलते हैं सारी सेना एकदम लंका को के आ गई है आपको समझ नहीं आ रहा आप नहीं समझ पा रहे आप प्लीज सीता को लौटा दीजिए और रावण क्या मानता है ये बात रावण तो बिल्कुल भी नहीं मानता रावण तो बात सुनता ही नहीं था अगर कोई कहता उसको कि सीता को लौटा दो तो रावण उसको निकाल देता था है ना तो शुभ ने तो बहुत समझाया सब ने रावण को समझाया पर रावण ने किसी की बात नहीं मानी रावण जल गया तम के बोला, इन एंगर, कभी भी नहीं, सारे देवता भी अगर आ जाए और मुझसे लड़ाई करें और सारे चाहे सारे अर्थ के लोग इकट्ठा हो जाए मुझसे लड़ाई करें मैं कभी भी सीता को नहीं लौटाऊंगा रावण ऐसे बोलता और रावण कहता है, तुम्हें पता है शुभ तुम्हें कुछ नहीं पता जैसे नाइट होती है स्टार्स दिखते हैं मून दिखता है पर जैसे ही सन आता है तो स्टार्स और मून तो नहीं दिखते पर स्टार्स और मून होते हैं कि नहीं होते? स्टार्स और मून में होते हैं या नहीं होते हैं, जब yes, होते हैं? Yes, है ना तो रावण कहता है कि जैसे सन आता है मून और स्टार होते हुए भी नहीं दिखते क्योंकि सबकी लाइट मेरी लाइट ब्राइटेस्ट है सिमिलरली सिमिलरली जब मैं आ, 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 में खड़ा होऊंगा मेरे सामने कोई नहीं टिक पाएगा कौन रावण कौन राम राम को तो कुछ पता ही नहीं है राम समझता ही नहीं है कि वो किससे लड़ने के लिए आया है राम और उसकी वानर सेना को मैं मिनटों में समाप्त कर दूंगा और राम को पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ बार बार रावण का अहंकार राम वो कहता है मुझे राम को पता होता ना तो कभी मुझसे लड़ने नहीं आता मैं मानता हूँ कि सी को क्रॉस करना बहुत डिफिकल्ट था ये रावण किसको बोल रहा है शुभ को बोल रहा है? है मैं मानता हूँ सी को क्रॉस करना डिफिकल्ट है और इतनी बड़ी विशाल सेना को भी वो ले आया मुझे ये भी पता लगा पर मैं बिलीव नहीं करता मैंने अपनी आंखों से देखा नहीं मुझे लोग बता रहे हैं कि इतनी इतनी बड़ी सेना सब लंका के पास आ चुकी है पर रावण मानने को तैयार नहीं है रावण कहता है अपने स्पाइस को जाके देख के आओ मैं मुझे पता तो लग गया है कि ऐसा कुछ है बट आई डोंट बिलीव इट आई डोंट बिलीव इट ही टू बिलीव इट न तो रावण फिर से अपने दो मंत्रियों को भेजता है शुक और सारण, और सारण इनको कहता है कि मेरे स्पाई बन के जाओ अपना अपने कपड़े बदल के जाओ अपना फॉर्म बदल के जाओ और मुझे देख के बताओ कितने वानर हैं कितनी शक्ति है उनके बड़े बड़े वानर कौन से हैं इंपॉर्टेंट वानर कौन है उनकी फॉर्मेशन क्या है व्यूह रचना उन्होंने किस तरह से पुल बनाया वो चाहते क्या है उनका बल पराक्रम उनकी स्ट्रेंथ उनके अस्त्र शस्त्र उनके वेपन उनमें प्रधान सेनापति कौन है रावण कहता है तुम जाओ और सब पता लगा क्या हो रावण ना अंदर ही अंदर घबरा रहा है और ऊपर से मानना नहीं चाहता तो रावण अपने स्पाइस को जो उसके बहुत बड़े मंत्री हैं सुख और सारण को भेज रहा है और वो सुख और सारण अपना फॉर्म बदल के बानर का रूप धर के सेना में आ जाते किसकी सेना में श्री राम की बानर सेना में ज्वाइन कर जाते हैं पर जैसे ही विभीषण देखता है उनको वह समझ जाता है क्योंकि विभीषण कौन था विभीषण स्वयं राक्षस है है ना विभीषण कौन है कौन बताएगा मुझे विभीषण कौन है विभीषण कौन है ध्रुव रावण का रावण का भाई है ना देवांश तो रावण का भाई रावण राक्षस है तो विभीषण भी राक्षस है तो उसको तो पता होता है ना राक्षस कैसे लगते हैं आपको तो अपने फ्रेंड पहचान लेते हो ना आप लोग अगर आपका फ्रेंड सपोज कोई और भेष बदल के चाहे तो आप पहचान जाओगे क्या देवांश पहचान लोगे ना Because you know your friend, right? है ना बिकॉज यू नो योर फ्रेंड राइट है तो तो इसीलिए विभीषण जैसे ही उनको देखता है समझ जाता है ये राक्षस है ठीक है और वो पकड़ लेता है और पकड़ के विभीषण सुख और सारण को श्री राम के पास ले आता है और श्री राम को वो दोनों कहते हैं प्लीज हमें हम माफ कर दीजिए प्लीज uh, कहीं से मुझे आवाज आ रही है कर? आप एक सेकेंड मुझे लगता है दिवांश शिवांश की वहां से आवाज आ रही है म्यूट कर दो बेटा हाँ कर दिया उसने ठीक है तो फिर श्री राम के पास ले आता है और श्रीराम को बोलता है आ, श्री श्रीराम को बोलता है ये देखिए ये दोनों राक्षस ना वहां से आए हैं मुझे पता ये है ये रावण के मंत्री हैं ये लोग भेष बदल के हैं आप कहो तो हम इनको मार दे श्री राम कहते हैं मत मारो इनको पक्का रावण ने हमारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए भेजा है हमारी इंफॉर्मेशन दे दो अच्छा है रावण और डर जाएगा हमारी इंफॉर्मेशन दे दो और वो उस, उससे पूछता है कि तुमने सब कुछ देख लिया श्री राम हंसते हैं बोलते हैं तुमने सब कुछ देख लिया वानर सेना नहीं देखी हो तो मैं कहता हूं विभीषण तुमको दिखा देगा जाओ सब कुछ देखो और जाके अपने भाई को बता अपने मास्टर को रावण को बता दो कि हम बहुत पावरफुल हैं और बहुत पावरफुल सेना लेके आ रहे हैं श्रीराम हंसने लग जाते हैं तो श्रीराम कहते हैं कहते, विभीषण तुम्हें सब कुछ दिखा देगा डोंट वरी और तुम दोनों डरो मत मैं तुम लोगों को मारूंगा नहीं क्योंकि मेरी रूल्स है मैं जिसके पास वेपन नहीं होते मैं उनको नहीं मारता और उसके अलावा तुम तो मैसेंजर बन के आए हो फिर श्री विभीषण को कहते हैं छोड़ दो इन दोनों को छोड़ दो ये तो रावण का मैसेज लेके आए हैं इनको सारी सेना दिखा दो हमारे दिखा दो इनको और डरा दो इनको इतना डरा दो कि रावण इतना डर जाएगा सुन सुन के और वहां इतना श्री फिर श्री राम कहते हैं वहां जाके ना रावण को कह देना कि जिससे छल और बल के सहारे तुमने चीट करके और तुमने छूट बोल के मेरी पत्नी को उठाया और अगर अब हिम्मत है तो तुम मैं लंका तक आ गया हूं तुम मुझे रणभूमि में वॉर के ग्राउंड मिलो और देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ हिम्मत है तो वहां आ जाना तो और कल ही सुबह तुम देख लेना कि कैसे मेरे बाण कैसे सारे मेरे बाण पूरी लंका की सेना का नाश कर देंगे और जाओ इनको छोड़ दो वो दोनों जय श्री राम जय श्री राम करते हैं, वापस लंका चले जाते हैं। शुक और सारण अब वो डरे हुए घबराए हुए घबराए रावण के पास पहुंचते हैं और रावण को कहते हैं कि महाराज आपने तो श्री राम की सेना देखने भेजा था पर हम तो बहुत डर गए थे सारे वानर हमको मारने वाले थे श्री राम ने ही मुझे बचाया जिसको आप गलत समझते हो वो गलत नहीं है वो तो हमारे भगवान है आप उन उनके साथ वो वो एनिमिटी छोड़ दो आप मत करो श्री राम और फिर शुक्र सारण बता रहे हैं। श्री राम लक्ष्मण विभीषण और सुग्रीव बहुत पावरफुल हैं उनके पास बहुत सारे वेपन्स हैं और उनको हर वेपन की नॉलेज है और ये चारों जहां पे इकट्ठे होंगे ये पक्का जीतेंगे ये कभी नहीं हार सकते महाराज आप सीता को लौटा दो ये सारे डरे हुए आए हैं ये पूरी लंका को उखाड़ के फेंक देंगे मैं आपको क्या बताऊं श्री राम का क्या जो रूप है जैसे वो लगते हैं वो पूरी की पूरी लंका को मार डालेंगे उन उनका विरोध मत कीजिए भगवान भगवान का आप उनसे दोस्ती कर लीजिए प्लीज सीता को लौटा दीजिए बार बार शुक्र सारण यही बोलते रावण कहता है रावण कोई समझेगा क्या रावण कभी नहीं समझता रावण कहता है लगता है इन बंदरों ने तुम्हें बहुत तुम्हें क्या लगता है? मैं को दूंगा। और कौन सा ऐसा एनिमी है जो मुझसे जो मुझसे जीत सके कोई भी नहीं आज तक पैदा हुआ जो मुझसे जीत सके एकदम एंग्री होके तम तमाया हुआ रावण रावण का महल बहुत बड़ा था रावण अपने महल के सीढ़ी चढ़ चढ़ के ऊपर चला गया और मुझे बताएगा कि रावण क्यों गया होगा सीढ़ी चढ़ चढ़ के महल के ऊपर देख अगर, हाँ, अगर आप एक हाइट के ऊपर जाते हो तो आपको क्या दिखता है वहां से वहां से दूर तक की चीजें दिखती है एब्सल्यूटली तो अगर रावण को देखना होगा कि कितनी आर्मी वहां पे इकट्ठा हुई है तो रावण क्या करेगा रावण विल right? है अगर हमें कुछ देखना है बहुत दूर तक तो हम एकदम हाइट पे जाते हैं और वहां से देखते हैं कौन है कौन है कौन है, कौन है? आ जाता नहीं क्लियर तो रावण वही करता है रावण अपने दोनों मिनिस्टर्स को सुख और सारण क्या नाम है उनका सुख और सारण जिनको उससे स्पाई बना के भेजा था वो दोनों आ गए और वो दोनों डरे हुए और वो बात बोल रहे हैं और रावण उनको वही भेजता है रावण कहता है ये देखो अब क्या करेगा रावण रावण उन सबको ऊपर ले जाता है और वहां से कहता है कि मुझे बताओ अब मुझे बताओ कि अगर सामने आर्मी है आपकी एनिमी आर्मी और वो एनिमी आर्मी में अगर आप बहुत पावरफुल मैन को वो बताएंगे तो रावण अगर आपको अपने किंग को खुश करना है तो आप क्या बताओगे अगर किसी को भी मिनिस्टर्स को अपने एनिमी को अपने राजा को खुश करना है तो वो एनिमी के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताएगा कि एनिमी के बारे में डरने वाली बातें बताएगा लैनिक आपको समझ आइए रावण्सून yes, um... रावण okay? so कह रहे हैं उनके बारे में बताओ तो अगर वो चाहते हैं कि रावण का ईवो बूस्ट रहे रावण स्ट्रॉन्ग रहे तो वो कहेंगे नहीं नहीं महाराज कोई नहीं है आप ही पावरफुल हो ये लोग तो कुछ भी नहीं है पर अगर वो दोनों एनिमी के बारे में बताएंगे और रावण डर जाएगा तो विल्प

सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे ले जाता है शुक्र और, और कहता है कि मुझे सबके बारे में बताओ बोलता है कौन सा वानर किसका स्वभाव कैसा है स्ट्रेंथ कितनी है मुझे बताओ तो ये जो है दोनों बताना शुरू करते हैं शुक्र बोलता है महाराज ये जो आपको एक लाख वानरों से घिरा दिख रहा है ना जो लंका को देखकर जोर जोर से गरज रहा <laughs> कर रहा है उसका नाम है नील और नील सुग्रीव की सेना में सबसे आगे खड़ा है तो नील नाम का वानर जो है वो एक लाख वानरों के साथ खड़ा है फिर वो कहते हैं महाराज तो जो ये आपको दिख रहा है ना तो जो जोर जोर से जोर जोर से जो 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 चल रहा है चल रहा है बेचैन की तरह चल रहा है ये युवराज अंगद है और वो अपने पिता वाली के समान बहुत पावरफुल है बलशाली है इनका अभिषेक सुग्रीव कर चुका है के राज्य के ऊपर फिर वो कहते हैं अंगद के ही पीछे जो दिख रहा है ना आपको सेना से घिरा हुआ वो नल है इस नल नाम के वानर ने ही वो राम सेतु बनाने में हेल्प की थी वही विश्वकर्मा का पुत्र है उसी ने सारा बताया था कि कैसे पुल बनाओ और सारी की सारी सेना को यहाँ लेके आने वालों में से नल नाम का वानर है फिर कहते हैं ये जो चंचल वानर दिख रहा है ना जो सिल्वर कलर का है चांदी के रंग जैसा बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत पावरफुल बहुत इंटेलिजेंट और तीनों लोकों में पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, इन तीनों लोकों में इसका नाम बहुत फेमस है इसका नाम है श्वेत श्वेत नाम का वानर और ये क्या करता है ये पूरी आर्मी में मोटिवेशन का काम करता है सबको हैप्पीनेस और मोटिवेशन देता है हर्ष उत्साह से भरता है उसके पीछे जो वानर है ना जिसकी जिसकी ये पूंछ में इतने सारे कलर्स हैं बहुत लंबी बहुत पावरफुल पूछ है ऐसे 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 करके पूछ से ही सबको मार डालता है उसकी पूंछ में लाल पीले ब्राउन येलो ये सारे रंग हैं, और इसका नाम है कुद कुमुद नाम का वानर और ये हमेशा लड़ना चाहता है युद्ध करना चाहता है और वो दिख रहा है ना आपको महाराज वो वो चंड नाम का वानर है वो चंड नाम का जो वानर है वो लंका को खत्म करना चाहता है उसके बाद महाराज ध्यान लगा के देखो तो एक वानर वहां खड़ा है ना वो जो यही देखी जा रहा है जो लंका को ही देख रहा है ऐसे कर देगा ऐसे गुस्से से देख रहा है जैसे लंका को जड़क देगा राख कर देगा वो एक करोड़ वानरों के साथ उसका है नाम रंभ उसका नाम है रंभ यूथ वो वानरों का सेनापति है यूथ रंभ उसका नाम है फिर महाराज जो अपने कानों को फैलाता है और बार 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 यौन कर रहा है जमाई लेता है वो मृत्यु से नहीं डरता वो अकेला ही रहता है वो किसी सेना के साथ भी नहीं चलता उसका नाम है शरब, एक्सट्रीमली पावरफुल शरब, उसके बाद महाराज वो जो सारे वानर खड़े हैं वहां पे ऐसा लग रहा है पूरा आकाश भर गया पूरी पृथ्वी भर गई और जो वानरों में इंद्र के समान है उनका नाम है पनस पनस ओ महाराज वो जो समुद्र तट पे खड़ा है और जो इतना विशाल दिख रहा है उसका नाम है विनत। सिक्सटी लाख वानर उसके सैनिक हैं। और जो युद्ध के लिए सदा कर ललकारता है और कहता है आ जाओ आ जाओ आ जाओ लोड ले लोड आ जा, आ जा, लो जाओ लोड़ो लोड़ो लो, लोडो लो, लोडो उसका नाम है क्रोधन क्रोधन और महाराज वो जो खड़ा है ना वो लाल लाल जिसका शरीर है और लाल कपड़े जिसने पहने हैं उसका नाम है गवय उस गवय नाम के वानर की सेना में सत्तर लाख वानर है सेवेंटी लाख वानर और ये सब लंका को लंका के सब लोगों को मारना चाहते हैं और ये जो है ना उधर इतनी दूर खड़ा ये हर नाम का वानर है और ये लंबी पूछ पटकता है और सबको मारते हुए चलता है इमेजिन और ये वो जो रीच लिख रहे हैं ना उधर सारे एक साथ भालू रीच उनका राजा है वृक्षराज ध्रुम धूम्र उसी का भाई है जाम्बवान जिसने देवता और असुर संग्राम में इंद्र को बहुत हेल्प करा था और बहुत सारे वरदान मिल गए और ये कभी मरने से भी नहीं डरते महाराज और जो उछलता हुआ कूदता हुआ वानर है ना इसका नाम है दम्भ दम्भ नाम से प्रसिद्ध वानर और इंद्र की भी इन्होंने हेल्प करी थी इंद्र को भी सेना भेजी थी इन्होंने और सबसे बड़ा महाराज ये जो सनंदन है सनांदन सनंदन वानर है ये वानरों का पितामह वानरों का परदादा बहुत बुद्धिमान है और इससे कभी कोई लड़ नहीं सकता और ये सबसे जीत जाता है ये इन सब वानरों का मुखिया है और महाराज अग्निदेव और गंधर्व कन्या से उत्पन्न कथन नाम का वानर है और ये भी बहुत वो है और सबसे बड़ा महाराज वानर राज केसरी है केसरी का पुत्र हनुमान और हनुमान के बारे में तो हम आपको क्या बताएं अभी रुक के बताते हैं और महाराज ये जो वानर दिख रहा है ना ये प्रमाथी नाम का वानर है दस करोड़ वानर इसके साथ रहते हैं दस करोड़ और महाराज ये जो महावानर है ना काले मुंह जिसका है ये लंगूर है ये एक करोड़ वानरों के साथ चलता है और ये अपने युद्धपति से इसका नाम है गवाक्ष इनके सरदार का नाम है गवाक्ष युद्धपति गवाक्ष और सबसे बड़ा सबसे बड़ा वानर जो मैं कह रहा था आपको पहले भी महाराज केसरी का पुत्र जिसका नाम है हनुमान जो प्रतिदिन बहुत पावरफुल है वो आपकी लंका में आकर लंका का नाश करने के लिए मसल डालेंगे पूरी लंका को अपने पैरों के तले मसल डालेंगे महाराज उसके अलावा शतबली वानर है तो हर रोज सूर्यदेव की पूजा करता है अपना स्ट्रेंथ सूर्यदेव से लेता है और उसके अलावा आपको क्या पता है आपको पता ही नहीं उनके पास कितने वानर कितनी उनकी स्ट्रेंथ है कितने बेवानर बलवान देवताओं के समान अस्त्रशस्त्र शस्त्र बुद्धि वाले और उनमें इतनी स्ट्रेंथ है इतनी पावर है वो लंका को तो युग मिनटों में खत्म कर देंगे और ये सारे ना सुग्रीव के मंत्री हैं इनकी उत्पत्ति देवताओं और गंधर्वों से हुई है और मैं बताऊं क्या बताऊं मैं आपको आप क्या क्या सुनेंगे इनके पास इतने पावरफुल मानर हैं आपने कभी ऐसे मानर देखे नहीं होंगे महाराज देवताओं के समान मैंद और द्विविद और तो ले चुके हैं ये कभी मरते नहीं है इनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया हुआ है इनका नाम है मैंद और द्विविद उसके बाद ये जो लंका को समुद्र को लांके के आया था इसको तो आप सब जानते ही हो इसने पूरी लंका जलाई थी ये पवन पुत्र हनुमान है और हनुमान इज वन ऑफ द वानर उनकी सेना में तो लाखों वानर है ऐसे वान और बलवान ये हनुमान अपना शेप और अपनी साइज बदल सकता है इसको कोई रोक नहीं पाता ये विंड के समान पावर वायु के समान पावरफुल है ये तो जब छोटा था तो सूर्य को देख के ये एप्पल की तरह खाने के लिए चला गया उसको पर इंद्र ने उसे रोका और ये नीचे गिर पड़ा इसका हनु टेढ़ा हो गया था तब से इसका नाम हनुमान पड़ा हनुमान जैसा बल रूप और प्रभाव किसी का भी नहीं है ये अकेला लंका को बसल देगा ये लंका को खत्म कर देगा महाराज और ये जो आपके सामने खड़े हैं ना एक श्वाकू वंश के अतिरथी अत्यंत बलशाली एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल आर्चर धनुर्धर वेरी ब्रेव गुणी सारे उनमें क्वालिटी है इतना पुरुषार्थ धर्म का कार्य करने वाले श्री राम श्री राम को सारे अस्त्र सारे वेद जजुर्वेद ऋग्वेद अथर्ववेद सामवेद धर्म सबके ज्ञाता है श्री राम श्री राम भगवान है श्री राम सब कुछ मंगल करते हैं अच्छा करते हैं श्रीराम इन में इतनी पावर है कि पूरे आकाश को पूरे स्काई को अपने बाणों से पूरा भर सकते हैं और पूरी पृथ्वी को पूरे अर्थ को बाण मार मार के मार मार के विदेन कर सकते हैं और ये ना रावण महाराज ये खड़े हैं आपके सामने ये लड़ेंगे आपसे आपको क्या लग रहा है और जो इनके राइट हैंड साइड में खड़ा है ना इतना गुड लुकिंग पावरफुल इंटेलिजेंट ये लक्ष्मण है ये लक्ष्मण है और ये हमेशा अपने भाई का साथ देते हैं अपने भाई के को हेल्प करते हैं और अपने भाई के अच्छे के लिए कार्य करते हैं और ये अकेले लक्ष्मण में इतनी शक्ति है ये पूरी आपकी सेना को मार सकते हैं और आपको क्या बताएं महाराज श्री राम के जो लेफ्ट में खड़ा है आप ही का भाई है आप ही का भाई विभीषण इनको मिल गया है आप ही का भाई विभीषण इनको मिल के आपको ही मारने वाला है और श्री राम ने तो उनका अभिषेक भी कर दिया है श्री राम ने बिना लंका कर, लंका का राज्य उनको दे भी चुके हैं शुक्र सारण उनको डराए जा रहे थे रावण को बोले जा रहे थे अपने एनिमी की पावर बताए जा रहे थे जितना वो एनिमी के पावर बताता रावण उतना और अंदर से घबरा जाता अगर कोई अच्छा मंत्री होता है तो वो एनिमी का ट्रूथ तो बताता है पर एनिमी की तारीफ ही नहीं करता जब एनिमी की अप्रिशिएट करे जा रहे हैं बड़ाई करे जा रहे हैं ये दोनों तो रावण का मोरार और कम हो रहा है रावण का विल पावर और कम हो रहा है रावण ये बात किसी को समझ में आ रही है जो मैं बता रही हूँ रावण का विल पावर कम हो रहा है yes, हो रहा है ना रावण का विल पावर कम तो ये हमें कैसे पता लगता है अगर अच्छे मंत्री होते हैं तो वो एनिमी के बारे में सच्ची बात बताते हैं पर एनिमे की बढ़ चढ़ के तारीफे नहीं करते और शुक्र और सारण तो एनिमी की तारीफ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे कर रहे हैं ना ध्रुव कर रहे हैं भरत समझ कर रहे हैं ना हाँ तो इससे रावण और कमजोर फील कर रहा है और वीक फील कर रहा है और रावण को हो रहा है oh God, मैं कैसे लुढ़ूंगा रावण के माइंड में रावण डीमोरलाइज हो रहा है रावण को लग रहा है समथिंग रॉन्ग मैं कैसे करूंगा पर वो लोग बोले जा रहे हैं वो कह रहे हैं ये जो बीच में दिख रहा है ना आपको सुग्रीव बहुत पावरफुल है और ये इनका फैमिली इनका स्ट्रेंथ इनकी इंटेलिजेंट और ये जो सोने की माला पहनी है ना ये सब श्री राम ने उनको दिए जब इनके फादर बाली को मारा था जब ये सब देख के रावण परेशान एक्सट्रीमली परेशान हुए जा रहा है हुए जा रहा है हुए जा रहा है और उसे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं कैसे करूं है ना और उसने फिर जोर से डाल दोनों को रावण तो इंटेलिजेंट तो था ही रावण ने कहा ये तुम दोनों है ना ध्रुव एनोटेशन मत करो बेटा तो उसने कहा जोर से को चले जाओ यहाँ से मेरी निगाह के पास से चले जाओ तुम मेरा दिया खाते हो तुम मेरे राज्य में रहते हो मैं तुम्हें पालता हूँ और तुम ये वाला काम कर रहे हो अभी चले जाओ यहाँ से मेरे टुकड़े पे पलते हो और मुझे ही वर्त का बताते हो और जो नौकर होते हैं ना वो कभी राजा क्यों अप्रिय लगे ऐसी बात नहीं करते तुम तो हो तुम्हारी क्या औकात है जाओ, जाओ मेरे सामने मेरी शत्रु की प्रशंसा करते हो इतनी हिम्मत तुम्हारी है और रावण खूब डांटता है और कहता है मैं तो समझ गया ये मेरे मंत्री इतने खराब हैं इतने मूर्ख इतने पागल इन मंत्रियों के बावजूद मैं लंका में इतने समय से राज्य कर रहा हूं सोचो मैं कितना पावरफुल कितना इंटेलिजेंट हूं अगर ये अच्छे मंत्री होते ना ये नौबत ही नहीं आती एक एनिमी की प्रशंसा करे जा रहे हैं करे जा रहे है अगर मैं आ, 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 सही से राजा होता ना अगर मैं पहले वाला होता ना मैं तुम्हें मार डालता पर मैं मुझे ये भी पता है अभी निकल जाओ चले जाओ यहां से नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा जला दूंगा पर मैं इतना खराब नहीं हूं मुझे ये भी पता है कि तुमने कभी कभी मेरी हेल्प भी करी है इसलिए मैं तुम्हें मारूंगा नहीं अभी चले जाओ और वो डर के मारे शुक और सारण वहां से भाग जाते अच्छा अब मुझे बताओ किसी को और सुननी है या मैं अपनी स्टोरी यहीं पे आज खत्म करूं टेन मिनट्स की और है नहीं नहीं। और सुननी है। आप लोग अभी बोर नहीं हुए 40, 40 नहीं। 40 नहीं। और सुननी है शिवांश को भी सुननी है हाँ, अच्छी लगी आपको हाँ, आपका आपका फेस पूरा तो दिख नहीं रहा और भरत और तो समत आपको भी और सुननी है हाँ, तो मैं मैं नेक्स्ट हाँ पे जल्दी बताओ थोड़ा और करना है थोड़ा और करना है और ध्रुप को थोड़ी सी और सुननी है फाइव मिनट्स हाँ, की और सुननी है हाँ, भारत को भी और सुननी है ओके चलो फिर मैं और सुनाती हूँ टेन मिनट्स की और सुनाती हूँ ओके बट मैं सबको ये बताना चाहती हूँ कि बच्चे फोर्टी फोर्टी फाइव मिनट्स के बाद भी और सुनना चाहते हैं इतना ये रामायण की कथा में रस है इतना इसमें है ना तो चलो लेट्स गो बैक टू अवर स्टोरी ओके आई विल डू इट फॉर फाइव सेवन मिनट्स मोर ओके आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन अगेन ओके अब और शुभ सारण दोनों चले जाते हैं वहां से अब शुभ को सारण तो चले गए पर रावण के माइंड में इतना चल रहा है रावण को लगता है अब क्या करूं कैसे करूं सारी की सारी एनिबी लंका के गेट पे आ चुकी अब क्या होगा ऊपर से दिखाता है कि वो डरा नहीं है पर अंदर से रावण डर रहा है अंदर से रावण बहुत डर रहा है है ना तो फिर क्या होता है लेट्स सी अब रावण कहता है अपने मंत्री महोदर से रावण का एक मिनिस्टर है उसका नाम है महोदर महोदर इधर आओ और सारे मेरे स्पाइस को गुप्तचरों को मेरे सामने लेके गया उनमें से भी जो बहुत ट्रस्टेड हैं किसी को पता है स्पाई क्या होते हैं किसको पता है स्पाई क्या होते हैं ध्रुव को पता है बताओ ध्रुव क्या होता है स्पाई स्पाई होते हैं जो आपको हेल्प करते लाइक किल करने में हिट करने में वो होते हैं स्पाई जैसे कि अगर अभी हम हमें स्पाई चाहिए तो हम अगर मेरे पास जैसे अभी स्पाई है तो अगर

जो राजा को या किसी मिनिस्टर को हेल्प करने के लिए होता है वो झूठ बोल के एनिमी के पास जाता है और एनिमी के वहां से रिपोर्ट करता है एनिमी के वहां से बिना उनको पता लगे रिपोर्ट करता है सारी बातें बताता है तो रावण आपको क्या लगता है रावण क्यों स्पाई भेजेगा वानर सेना के अंदर क्या पता लगाने के लिए भेजेगा जल्दी बताओ देवानश आपका है? हाँ है? हा, स्ट्रेटेजी क्या है है ना उनकी स्ट्रैटेजी क्या है उनके पास कितनी आर्मी है किस फॉर्मेशन से आ रहे हैं कौन सा रूट लेंगे क्या है ना अगर रावण को ऐसा पता लग जाएगा तो रावण प्रिपेयर कर लेगा ना अपने आप को बेटर कर लेगा ना अटैक करने के लिए तो रावण अब स्पाई को भेज रहा है और स्पाई के लिए भी स्पाई भी ऐसा वैसा होना चाहिए समझदार होना चाहिए जल्दी बताओ कौन बताएगा स्पाई इंटेलिजेंस स्पाई होना चाहिए ना ऐसा वैसा स्पाई होगा तो वो तो जाके एनिमी को ही राजा की बात सब बता देगा है ना इंटेलिजेंट होना चाहिए जो राजा से सब इंफॉर्मेशन एनिमी से इंफॉर्मेशन दे के आए है ना सो लेट्स गो बैक टू अवर स्टोरी ओके विल वाइंड अप इन ओकेट ओके आई जस्ट तो रावण अब महोदर को बोलता है स्पाइस को लेके सब गुप्तचरों को लेके आओ फिर रावण चूज करता है उन गुप्त चरों में से चूज करता है किसको भेजना है किसको नहीं फिर रावण कहता है उसने इतने सारे को इकट्ठा कर लिया उनको देख के हाँ फिर रावण ने बोला के जाओ पता करो कि एनिमी श्री राम के जो मंत्री हैं वो क्या करना चाहते हैं वो क्या सोचते हैं उनकी क्या स्ट्रैटेजी है अगर मुझे सब कुछ पता लग जाएगा ना तो थोड़ा सा ही उपाय करके मैं जीत जाऊंगा हमें तो जीतना तो पड़ेगा फिर तो वो हमें मार डालेंगे और ये सारे आ गए अपना फॉर्म बदल के वानर सेना में आ गए ये तो राक्षस है ना मिनट में यहाँ से आते हैं यहाँ पहुंचाते यहाँ से यहाँ जाते हैं, हैं, हैं ये लोग बहुत क्विक क्विक ये लोग करते हैं पर जैसे ही उन्होंने देखा इतनी बड़ी आर्मी वो और डर गए और घबरा गए ये चारों की चारों, चारों गुप्तचर और अब विभीषण ने इनको फिर पहचान लिया विभीषण तो क्योंकि राक्षसों का ही था विभीषण को पता लग गया कि ये हमारे बाल आपने आपको म्यूट करो बेटा मुझे कहीं से आवाज आ रही है म्यूट करो विभीषण को फिर पता लग गया विभीषण ने पकड़ लिया विभीषण ने पकड़ लिया और जो उन सब में सबसे बड़ा था शार्दुल गंदे कार्य करता था सबको मारता था सबको पीटता था बहुत खराब राक्षस था शार्दुल ने उसको पकड़ लिया और शार्दुल को ले गए विभीषण श्री राम के पास पर श्री राम तो हमारे श्री राम है उन्होंने दया करी और शार्दुल को छोड़ दिया और शार्दून को जब छोड़ दिया तो वो फिर भागा भागा आया रावण के पास और रावण ने बोला क्यों इतने डर के आए हो सब क्यों इतने डर गए क्या हुआ क्या हो गया तो फिर शार्दून ने बोला महाराज वो सेना ऐसी है वहां पे कोई स्पाई नहीं जा सकता कोई गुप्तचर पहुंच ही नहीं सकता वहां पे उनमें घुस ही नहीं सकते विभीषण तो तुरंत पहचान गया मुझे और मुझे पहचान के और आपको पता है वो सब वानरों ने किसी ने लात मारी किसी ने मुक्का मारा किसी ने पंजा मारा किसी ने पूछो से मारा किसी ने पैरों से मारा हमें मारे चले जा रहे थे और आपको पता है किसने बचाया हमें श्री विभीषण मुझे श्री राम के दरबार में ले गए और श्री राम ने ही मेरी रक्षा करी और श्री राम महाराज मैं फिर भी बता रहा हूँ श्री राम ने अब जो फॉर्मेशन बनाई है पहले उन्होंने फॉर्मेशन आर्मी की बनाई थी मनुष्य की ह्यूमन बीइंग की फॉर्मेशन अब श्रीराम ने फॉर्मेशन बनाई है आर्मी की गरुड़ के रूप में तो आर्मी यहाँ खड़ी होगी यहाँ होगी यहाँ होगी गरुड़ ईगल की फॉर्मेशन बनी ही है श्री राम उसके बीचों बीच खड़े हैं और अगर अगर आप उनसे जीतना चाहते हो तो लंका के वॉल पे पहुंचो उससे पहले ही आप उनको मार डालो नहीं तो आप कभी भी नहीं जीत सकोगे लंका तक पहुंचे उससे पहले ही आप युद्ध स्थल में जाओ उनका सामना करो उनको मारो तो रावण ने फिर बोला रावण ने बोला मुझे बताओ कौन से अब वानर आ, है कौन ज्यादा कितना पावरफुल है कौन किसका बेटा है आ, आवाज आ रही है बेटा म्यूट करो अपने आप को कौन किसका बेटा है किसके पुत्र है ये बानर नहीं ये बेटा म्यूट होता है तो फिर मुझे आवाज नहीं आती है ना आपकी आवाज आ रही है बेटा अच्छा तो श्री रावण ने बोला मुझे बताओ तो सही है वानर है कौन कौन तब ये लास्ट में बोलते हैं शार्दूल बोल रहा है पहले शुक्र सारण बोल रहे थे महाराज अब समझो इनके वानर बहुत स्ट्रांग है ये देवताओं के द्वारा बने हुए हैं सारे जाम्बवान है बहुत वीर है और जाम्बवान है वृक्ष रजा रिछो में वृक्ष रजा और गदगद का पुत्र और गदगद का ही पुत्र है धूम्र आप लोग नाम सुन लो कंफ्यूज मत हो बस सुन लो आपके बड़ों को तो नाम भी किसी को नहीं पता है यह, यह, मुझे भी आप पता लगे गदगद का दूसरा पुत्र है धूम्र और इंद्र इंद्र के गुरु जो बृहस्पति हैं उनका पुत्र है केसरी केसरी का पुत्र है हनुमान और हनुमान के पास सारे मैजिकल पावर्स है गॉड्स के लिए हुए और उसके अलावा सुशेन है धर्मराज का पुत्र ठीक है चंद्रमा है द, द, जो दधिमुख है वो चंद्रमा का पुत्र है और सुमुख दुर्मुख और वेगदर्शी मृत्यु देवता के पुत्र है नील है अग्निदेव का पुत्र ठीक है अंगद है इंद्र का ग्रैंडसन और मैंद और द्विविध है अश्विनी कुमार के पुत्र देवताओं के पुत्र गज गवाक्ष गवाय शरब और गंदमादन ये पांचों यमराज के बेटे हैं यमराज के पुत्र हैं और श्वेत और ज्योतिर्मुख ये हैं सूर्य के पुत्र सन के, हेमकूट वरुण का पुत्र है और विश्वकर्मा का पुत्र है नल नाम का वानर तो महाराज दुर्धर वसुरता का पुत्र है और दस करोड़ उसके पास वानर है और विभीषण अब दुर्धर का ही दोस्त बना हुआ है महाराज और अब बेसिकली ये लोग क्या कर रहे थे ये बताना चाह रहे थे कि जितने भी बानर हैं वो सारे गॉड्स के हैं देवताओं के द्वारा है तो कोई भी राक्षस उनसे नहीं लड़ सकता राक्षस उनसे हार ही जाएंगे जबकि राक्षसों के पास वेपन्स हैं अस्त्र हैं शस्त्र हैं देवताओं के पास अस्त्र शस्त्र नहीं है, है ना अच्छा तो आज की स्टोरी हम यहाँ पे खत्म कर रहे हैं अब नेक्स्ट टाइम हम देखेंगे एक्चुअल वॉर अभी तक हम क्या देख रहे हैं अभी तक हम देख रहे हैं कि प्लानिंग हो रही है लंका तक पहुंच गए लंका के अंदर नहीं घुसे नेक्स्ट टाइम क्या होगा ये पूरी आर्मी कहाँ घुस जाएगी कहाँ घुस जाएगी ये लोग लंका के वॉल को तोड़ेंगे सबको कार में और लंका के अंदर और जैसे लंका के अंदर जाएंगे तो फिर तो वॉर शुरू हो जाएगा और, हनुमान जी की टीम लंका में पहुंचेगी हाँ बेटा शिवांश आपका फेस मुझे पूरा नहीं दिख रहा ठीक से करो अपना स्क्रीन सेट करो नीचे करो ऐसे आपका नहीं आप अपनी स्क्रीन को देवांश हेल्प कर दो हाँ बेटा हेल्प कर दो बेटा भाई को हेल्प करते तो लग, हनुमान की टीम भी उसी वानर सेना में है ना वानर सेना बहुत पावरफुल है वानर सेना में इतने बड़े बड़े वानर हैं आपने इतने सारे नेम सुने कितने नल अंगद हनुमान नील गवाय गवाक्ष इतने सारे अब हमें नेक्स्ट टाइम शायद रावण की टीम के नाम पता लगेंगे नेक्स्ट टाइम देखेंगे हम ओके सो विल बाइंड अप द सेशन फॉर टुडे अच्छा लगा सबको भरत समय डिड यू लाइक आप लोगों ने लेट ज्वाइन करा बेटा आज आप लोग लेट क्यों हो गए आप म्यूट पे हो म्यूट पे हो नहीं है वो डिनर क्या कहता है वो लंच भी गई है तो इसलिए मम्मा ने लिंक भेजी जब तभी छोड़ क्या अच्छा कोई बात नहीं चलो दो मंत्र कर लेते हैं सारे बच्चे सीधे बैठे हाथ जोड़े ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमदः पूर्णमेदम पूर्णोदाम पूर्णार्थ पूर्णार्थ पूर्णमुदच्छते पूर्णमुदच्छदे पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्ना पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते पूर्णमेवा वशिष्यते ओम शांति 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 हे ओम शांति 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 हे परफेक्ट अब मुझे बताओ हनुमान चालीसा किस-किस ने पूरी कंठस्थ कर ली मैंने ले ली थी मैं आपकी देवांश को हनुमान चालीसा आ गई मम्मा को बोलना वीडियो बना के मुझे भेजेंगी ग्रुप पे डाल दी मैंने तो तो वीडियो बना के भेजो और देवांश को हनुमान चालीसा आई कि नहीं आई अभी हां आधे हफ्ते है वो पूरी लर्न करके भेज देना आपको और आपको बेटा मैम मैं सीख रही हूँ अभी ट्राई कर रही हूँ जल्दी सीख के जल्दी करना है छोटे बच्चों को जल्दी आ जाती है है ना okay, yeah. जल्दी बाकी आठ बड़ी का आप खोल पाओगे कि नहीं खोल रहे अभी yes, बस दो मिनट हम हाँ. स्कूल से आई थी अच्छा कोई बात नहीं ऐसे आपके नाम के था चलो वन टू थ्री एंड Okay. Hello, everyone. Bye. Bye. Hello, mom. Bye. Hello, mom. Bye. Hello. You? You practice when you were going in school. Catch it. You can practice Hanuman Charisa when you were going in the car to school. Great. Good job. We both also practice Hanuman Charisa when we are going to school in the car. तो मैं सब बच्चों को यही बोलती हूँ जब अपनी मम्मा के साथ कहीं जा रहे होते हो ना तो बेस्ट टाइम होता है करने का तो मम्मा को बोलो मम्मा हमें हनुमान शिवांश आपने अपने मम्मा से बोला मम्मा मुझे हनुमान चालीसा सिखा दो ओके ओके बाबू एंड हाउ ओल्ड आई यू शिवांश Oh, you're such a big boy. Bharat Samar is also five. Oh, they are six now. भरत Samar, six. Yes, we are yes. six. yes okay hi room everyone bye bye for now hi room hi room ma'am hi room hi